डब्ल्यूबीसी की काउंटिंग तो हमें समझ आ गई कि हमने किस तरह करनी है। 64 स्मॉल बॉक्सेस में हमने डब्ल्यूबीसी काउंट करनी है और उनमें से हर स्मॉल बॉक्स की जो एरिया है वो 1/16 मिलीमीटर स्क्वायर है या फिर उसकी एक साइड की लेंथ 1/4 है। अगर किसी को ना समझ आए तो रिवाइंड करके देख ले, कोई मसले की बात नहीं, बहुत आसान है। नाउ वी कम फॉर द सेंट्रल बॉक्स। अब सेंट्रल बॉक्स में हमने क्या किया हुआ है, उसमें हमने एक लार्ज बॉक्स को डिवाइड किया था 4 डब्बों में। अब इस सेंट्रल बॉक्स की कहानी कुछ ऐसी है कि हमने इस लार्ज बॉक्स को, है ये भी लार्ज बॉक्स ही, इसको डिवाइड किया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5 मजीद छोटे स्मॉल बॉक्सेस में डिवाइड किया हुआ है। जब एक साइड की लेंथ इसकी भी 1 मिलीमीटर है तो इसको जब हमने 5 में डिवाइड किया था तो हर साइड, हर जो ये बॉक्स है इसके अंदर, उसकी एक साइड की लेंथ हो जाएगी 1/5, 1/5, 1/5, 1/5 एंड 1/5। ठीक हो गया। इस साइड पर भी सेम ये 1/5, 1/5 हो गया। जब हर बॉक्स की ये साइड भी 1/5 की और ये साइड भी 1/5 की है तो एरिया एज ऑलरेडी टोल्ड यू इज इक्वल टू लेंथ एंड टू विड्थ। जब लेंथ भी 1/5 हो, विड्थ भी 1/5 हो तो एरिया हो जाएगा 1/25 मिलीमीटर स्क्वायर। सो अब जो ये मेरे पास बॉक्स आए, ये वाले सारे बॉक्सेज हैं, इनको मैं स्मॉल नहीं, इनको मैं मीडियम साइज बॉक्स कहूँगी। इसको जो हमारे टेक्स्ट में उन्होंने कहा हुआ है, आपने भी यही कहना है, ये जो बड़े सारे ब्लॉक नज़र आ रहे हैं ये लार्ज बॉक्सेज, ये जो डब्ल्यू बी सीज वाले 16 स्मॉल जो एक डब्बे के बनते हैं ये स्मॉल बॉक्सेस, और जो ये वाले हैं ये अलग अलग, दीज आर कॉल्ड मीडियम साइज्ड। मीडियम साइज्ड का अगर कभी कोई आपसे प्रैक्टिकल के बारे में पूछे, कुछ भी पूछे, तो मीडियम साइज जो बॉक्स है एक, उसका एरिया होता है 1/25 मिलीमीटर स्क्वायर एज आई टोल्ड यू। स्मॉल साइज का कोई पूछे तो उसका एरिया होता है 1/16 मिलीमीटर स्क्वायर एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। अब हमने यहाँ तक कहानी असल में ख़त्म नहीं की। हमने इसे एक मीडियम साइज बॉक्स को ले लेते हैं जिसका 1/25 मिलीमीटर स्क्वायर एरिया है, और हमने ये किया, ये सपोज ये मेरे पास वो मीडियम साइज बॉक्स है और मैंने इसको मजीद 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इस तरह 1, 2, 3, 1, 2, 3। ठीक है, ये लाइनें लगा के जिस तरह 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 दोनों तरफ से मैंने इसे 4 पार्ट्स में मजीद डिवाइड कर दिया। अब ऑलरेडी इसकी अपनी लेंथ 1/5 थी, इधर से भी इसकी अपनी लेंथ 1/5 थी। ठीक है, इस पूरे की लेंथ ये हमने पहले कर ली थी बात। मैं उस मीडियम साइज बॉक्स की अभी बात कर रही हूँ, दिस इज़ फॉर मीडियम साइज बॉक्स, नॉट फॉर द लार्ज बॉक्स। जब 1/5 इधर भी है, 1/5 इधर भी है, उसको मैंने मजीद 4 टोटों में डिवाइड कर दिया है। तो हर जो स्मॉलेस्ट बॉक्स, अब ये छोटा जो अंदर बन गया ना, ये स्मॉलेस्ट बॉक्स है, हर स्मॉलेस्ट बॉक्स की जो एक साइड है उसकी लेंथ हो जाएगी 1/5 × 4, क्योंकि 4 में डिवाइड किया तो 1/5 तो पहले थी, मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कि हर स्मॉलेस्ट बॉक्स की एक साइड की लेंथ है 1/20 मिलीमीटर, इस साइड की लेंथ भी 1/20। जब दोनों साइड की लेंथ भी 1/20 है, विड्थ भी 1/20 है, तो 1/20 × 1/20 एरिया आ जाएगा हमारा 1/400 मिलीमीटर स्क्वायर। वेरी सिंपल, कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर किसी को ना समझ आए रिवाइंड करके ज़रूर देख लें, कोई मुश्किल सी बात नहीं है। तो ये जो हमारा एक मीडियम साइज बॉक्स था, इसके अंदर स्मॉलेस्ट बॉक्सेज हैं, स्मॉलेस्ट स्केयर्स हैं। मीडियम साइज स्केयर का एरिया हो गया 1/25, या एक साइड की लेंथ होगी 1/5, और जो स्मॉलेस्ट स्केयर है उसकी एक साइड की लेंथ होगी 1/20 मिलीमीटर, या उसका एरिया हो जाएगा 1/400 मिलीमीटर स्केयर। अब हमने अगर किसी भी चीज़ की आपसे डेप्थ पूछ लें तो आपको एरिया फाइंड करना आता है, आपको साइड की लेंथ फाइंड करनी आती है। आप साइड की लेंथ फाइंड करें, उससे आप एरिया फाइंड करें। सपोज मेरे पास उन्होंने कहा कि मुझे एक स्मॉलेस्ट जो बॉक्स है उसका वॉल्यूम बताओ, एरिया तक मैं आ गई 1/400, और उसके बाद आपने सिर्फ इतना सा करना है कि इसकी जो डेप्थ है वो 1/10 होती है। ठीक है, ये याद रखें, न्यूबॉर्न चैम्बर की ये डेप्थ यही है जो हमारे लैब्स में अवेलेबल है 1/10। तो आपने इस 1/400 को 1/10 से मल्टीप्लाई कर देना, वॉल्यूम आ जाएगा आपके पास 1/4000 मिलीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम आ जाता है। यूनिट्स का ख्याल रखना, अगर लेंथ है तो मिलीमीटर, एरिया है तो मिलीमीटर स्क्वायर, एंड वॉल्यूम है तो मिलीमीटर क्यूब। सो आपके पास पूरा का पूरा वॉल्यूम आ गया। इस तरह यू कैन कैलकुलेट ऑल द प्लेसेस ऑफ न्यूबॉर्न चैम्बर। हमने डब्ल्यू बी सीज बाहर की तरफ कैलकुलेट करने होते हैं, और आर बी सीज हम काउंट करते हैं ये जो मीडियम साइज बॉक्सेज हैं, कॉर्नर वाले 4 और सेंटर वाला 1, उसके स्मॉलेस्ट जो बॉक्सेस हैं उनमें हम डब्ल्यू बी सीज को काउंट करते हैं। और प्लेटलेट काउंटिंग हम इस सेंट्रल बड़े बॉक्स में करते हैं, और उसमें हम स्मॉलेस्ट बॉक्सेस को इन्वॉल्व नहीं करते, हर ही सेंटर के जो बड़े बॉक्सेस में से जो मीडियम बॉक्सेस हैं उन्हें इन्वॉल्व करते हैं, स्मॉलेस्ट में नहीं जाते। सो इट इज़ ऑल अबाउट द न्यूबॉर्न चैम्बर। किसी को कोई बात ना समझ आए तो पूछ ले, रिवाइंड करके ज़रूर देख लीजिएगा, होप समझ आ जाएगा। थैंक यू सो मच।